दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो किसी ना किसी को मरना होगा, और ये नियम सबसे ज्यादा जानवरों की जिंदगी पर लागू होता है, क्योंकि एक जानवर को जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर बार जानवर आपको दूसरे जानवरों का शिकार करते ही मिलेंगे। कभी कभी दुनिया में ऐसे अजूबे भी होते हैं जब एक जानवर दूसरे जानवर की जान बचाने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। पर आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही जानवर देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो खूंखार शेर हो या फिर जानलेवा भालू। इन सभी के अंदर दया का भाव मौजूद है, और ये चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की है। इसी तरह की शानदार वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रॉटवाइलर एंड चिवावा। दोस्तों, सबसे ज्यादा भयानक लड़ाई तो तब होती है जब उसमें जान दांव पर लगी हो, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब एक भेड़िए ने चिवावा पर अटैक किया तो सबको लगा कि चिवावा डॉग आज जिंदा नहीं बच पाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि चिवावा का साइज उससे बहुत ही ज्यादा छोटा था, जिस कारण उसका बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन खुशकिस्मती से सभी चीजें एक रॉटवाइलर डॉग ब्रीड ने देख ली। अब रॉटवाइलर के बारे में तो आप जानते हैं कि ये कितने फुर्तीले और खतरनाक होते हैं, जो किसी भी हालत को खराब कर सकते हैं, और यहाँ भी शानदार डॉग ने ऐसा ही किया, जहां उसने चिवावा को भेड़िए के चंगुल से छुड़ाने के लिए तुरंत उस पर हमला कर दिया और चिवावा को बचा लिया। डॉल्फिन एंड व्हेल। वैसे तो डॉल्फिन के कई सारे जीवों को बचाने की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार डॉल्फिन ने किसी और को नहीं बल्कि दो व्हेल्स को मरने से बचा लिया। असल में हुआ ये कि दो व्हेल्स समुद्र के बीचों बीच फंस गई थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहां से बाहर निकले। वैसे वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि कैसे भी उनको रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तभी उन व्हेल्स को ऐसा करते देख डॉल्फिन ये समझ गई कि इनको मदद की जरूरत है, जिसके बाद उस डॉल्फिन ने लगातार इन दोनों व्हेल्स को रास्ता दिखाया, और न सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि उनके साथ ये तब तक चिपकी रही जब तक वो दोनों व्हेल सुरक्षित किनारे पर नहीं पहुंच गईं। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि डॉल्फिन और व्हेल की उतनी खास दोस्ती है नहीं, लेकिन फिर भी डॉल्फिन ने दया भावना से उन व्हेल्स की मदद की और अंत में उन दोनों व्हेल्स की जान बच गई। लायन एंड काफ। अब आप एक गाय के बच्चे और लायन की ये शानदार कहानी सुनिए, जहाँ पर एक गाय का छोटा बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, उसे देखते ही शेर ने तुरंत उसकी तरफ स्नेह और प्यार का हाथ बढ़ाया। जी हाँ, ये बात भले ही हैरान करने वाली है कि एक शेर ने कैसे गाय के बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि शेर तो इतने शिकारी प्रवृत्ति होते हैं कि कभी भी किसी को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, और ना सिर्फ शेर ने खुद गाय के बच्चे को नहीं खाया बल्कि सामने से आते हुए अपने साथी को भी इसको खाने नहीं दिया। और जब इसका साथी शेर गाय के बच्चे पर हमला करने जा रहा था तो ये अपने साथी से भी लड़ बैठा, और इस वीडियो में आप इस शेर का गुस्सा साफ देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो पहला शेर है वो दूसरे शेर से अपने इस खाने को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि पहले शेर को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो धोखा देकर गाय के बच्चे को खाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेपर्ड एंड बबून। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि तेंदुए एक शिकारी प्रवृत्ति के जानवर होते हैं, जो तरह तरह के जानवरों को मारकर अपना भोजन करते हैं, और तेंदुए ज्यादातर बबून नाम के बंदरों पर डिपेंड रहते हैं। इसी वजह से ये पेड़ पर चढ़कर अधिकतर इन्हीं का शिकार करते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये बाजी तब उल्टी पड़ गई जब शिकार हो गया था। जी हाँ, जैसे तेंदुए ने बबून का शिकार करके उसे पूरी तरह से घायल किया, वैसे ही उस फीमेल बबून ने एक बेबी को जन्म दिया, जिसे देखते ही तेंदुए का दिल पघल गया, और उस बेबी को मारने की बजाय तेंदुए ने उसकी रक्षा करने की सोची, जिसके बाद एक पूरा हाइना का ग्रुप उस बेबी बबून के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन तेंदुए ने अकेले ही उसको बचा लिया, और ना सिर्फ बचाया बल्कि पूरी रात उसकी देखभाल भी की। बेबी बबून जितनी बार भी पेड़ पर से गिरता उतनी बार ये तेंदुआ उसे उठाकर पेड़ के ऊपर रख देता। हालांकि ये बबून एक रात से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया, लेकिन इसमें तेंदुए की भी कोई गलती नहीं थी बल्कि तेंदुए ने तो उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। ओरांगटन एंड डकलिंग। एक जू के अंदर इस लाइफ सेविंग इंसिडेंट को देखने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक ओरांगटन ने एक छोटे से डकलिंग की जान बचाई। असल में दोस्तों, जब ये छोटा सा पक्षी पानी के अंदर फड़फड़ा रहा था तो ओरांगटन ने ये नोटिस किया कि ये छोटा सा डकलिंग तैर ना पाने की वजह से पानी में डूब रहा है, जिस वजह से उसने इस डकलिंग की मदद करने की सोची, जहाँ तुरंत ही ओरांगटन ने छोटे से पक्षी को पानी से उठाकर जमीन की सतह पर रख दिया। हालांकि ओरांगटन के लिए इतने छोटे से जीव को पानी से निकालना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके ऐसा किया, और न सिर्फ उसे पानी से बाहर निकाला बल्कि पानी से निकालने के बाद ये सुनिश्चित किया कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए ओरांगटन बार बार उस पक्षी के पास ही बैठकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ओरांगटन चाहता तो उस छोटे से पक्षी को नुकसान भी पहुँचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया बल्कि उल्टा जब तक वो ठीक नहीं हो गया उसकी पूरी देखभाल की। डंकी एंड शीप। अब आप एक डंकी द्वारा एक भेड़ को
बचाए जाने का ये किस्सा सुनिए, जहां पर रंकी ने स्टेनली नाम की शीप को पिटबुल से बचाया। हम आपको बता दें कि पिटबुल एक बेहद खतरनाक डॉग ब्रीड होती है, जो अगर किसी को एक बार अपने चंगुल में ले ले तो जल्दी छोड़ते नहीं है। लेकिन यहां पर डोंकी की समझदारी से ये शीप बच गई, क्योंकि जब डोंकी ने देखा कि पिटबुल स्टेनली को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, वैसे डोंकी ने तुरंत उस पिटबुल को धक्का दे दिया और स्टेनली को इशारा करके वहां से भागने के लिए कहा। लेकिन अब पिटबुल से तेज भला और कौन भाग सकता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से उस शीप के पीछे पड़ गया, जिसने उसे चोटिल भी कर दिया। लेकिन वापस से डोंकी ने आकर पिटबुल से लड़ाई करने की कोशिश की और अंत में पिटबुल को स्टेनली को छोड़ना ही पड़ा। थोड़ी मेडिकेशन के बाद स्टेनली ठीक हो गया, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर वहाँ डोंकी मौजूद ना होता तो ये पिटबुल डॉग उसे स्टेनली को मार ही देता। बेयर एंड क्रो। बेयर यानी कि भालू वैसे तो इतने खास लोगों से प्यार करते नहीं, लेकिन हाँ कुछ भालू ऐसे भी मौजूद हैं जो हर समय समय पर हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक जू के अंदर हमें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। असल में पूरे जू पर धीरे धीरे कौवे कब्जा कर रहे थे, जिसमें वो जू के खाने से लेकर जानवरों की नाक में दम करने तक सभी काम कर रहे थे, जिससे जू प्रशासन भी बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन एक दिन एक कौवा अचानक ही भालू के इलाके में मौजूद पानी में जाकर गिर गया, जिसे देखने के बाद सबको यही लग रहा था कि ये कौवा बच नहीं पाएगा और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी वहां पर एक भालू आता है और वो तुरंत इस कौवे को डूबने से बचा लेता है, जहां वो उसे अपने दांतों से उठाकर पानी से जमीन पर रख देता है, जिसके बाद वो पक्षी पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। हालांकि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भालू पहले इस पक्षी को खाने वाला था, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया। अब जो भी हो, अंत में इसको उसने मारा नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा की, जो कि एक बहुत ही लाजवाब बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।